हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस 101। डिफेंस 101 पर आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? होप सो आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ के? रीजनिंग के। हम एफकेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब डिफेंस 101। तो फटाफट से सब आ जाइए, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, श्रुतिका, आदित्य, कश्यप, परिणीता, उजाला, निधि शर्मा, कैसे हैं सब? तो गाइज, मैं सोनल अग्रवाल, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, जिसे 4 साल का एक्सपीरियंस है, 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ा हुआ है, क्लियर कर रखे अपने गवर्नमेंट एग्जाम, जो आप लोगों को पढ़ाती है डिफेंस 101 पर रीजनिंग 4, एफ कैट, CDS, CAPF के लिए। इन तीनों के लिए आप लोगों को क्या पढ़ाते हैं? हम रीजनिंग पढ़ाते हैं डिफेंस 101 पर, ठीक है। CDS पे तो रीजनिंग आती नहीं है, लेकिन सबकी तैयारी कराई जाती है आपकी, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा डिफेंस 101 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको क्या करना है, जो भी आप न्यू बच्चे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे डिफेंस 101 टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आपको हर फैकल्टी की वीडियो के लिंक आप लोगों को प्रोवाइड होते हैं, क्लासेस आप लोगों को क्या होते हैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड होती है। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे नाम से, सोनल के नाम से आप मेरे को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ मेरी क्लासेस देख सकते हैं। क्लासेस का जो टाइमिंग होता है वो होता है मॉर्निंग में 10:45 AM पर, क्या होता है मेरी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर क्लासेस का टाइमिंग होता है, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फ्री, ठीक है। आफ्टर दैट गाइस, एक ही सब्सक्रिप्शन में CDS, FCAT एंड CAPF की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए कंप्लीट आपको तैयारी करने को मिलती है, चाहे वो आपका एक ही सब्सक्रिप्शन में, चाहे वो आपका CDS हो, FCAT हो, CAPF हो। यूज दिस कोड SONAL प्लस स्पेशल कॉइन्स, यू विल गेट 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो गाइज, आपका 8 फरवरी से 8 फेब से आपका बैच आ रहा है क्रैश कोर्स FCAT 1 2021 के लिए क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसका टाइमिंग है आपका मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप लोगों को प्रोवाइड होगा 9 AM से 11 AM तक आप लोगों को सिर्फ रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, ठीक है। 2 घंटे की आपकी क्या हो करेगी, हर दिन रीजनिंग की क्लास हुआ करेगी। सैटरडे को आप लोगों को 9 AM से, मान लीजिए आप 11 AM भी, 2 घंटे की आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चंस की, मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। जो भी क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे आप लोगों को, वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मतलब उससे उसी चैप्टर की प्रैक्टिस आपको सैटरडे को होगी 9 AM टू 11 AM। जैसे मैं यदि फर्स्ट वीक के बारे में बात करूं तो फर्स्ट वीक में जो आपके टॉपिक कवर होंगे वो एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, ठीक है, ये आप लोगों के टॉपिक कवर होंगे यदि, और इसके बाद सीरीज एंड क्लासिफिकेशन। तो जो भी आपके 5 टॉपिक आपके उस वीक में कवर होते हैं तो सैटरडे को आपका उन्हीं 5 टॉपिक का क्या होगा, टेस्ट होगा। कश्वी, याग्निक, आदित्य, कश्यप, 3 दिन और बढ़ गए, मेरे 3 दिन बढ़े हैं। देखो, मैंने क्या कहा था, यदि मैं 5th फेब से स्टार्ट करूंगी तो 5th फेब से स्टार्ट करने का मतलब है मैं 1.5 घंटे की क्लास लूंगी। यदि मैं 8 फरवरी से स्टार्ट करूंगी तो 8 फरवरी से मैं आपकी 2 घंटे की क्लास लूंगी। मैंने ये वाली बात कही थी आप लोगों से, सुना करो क्या कह रही है तुम्हारी मैम, ठीक है। ऋषिकेश, ज्योति, काशवी, तो गाइस, जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर FCAT एग्जाम के लिए तो आप FCAT एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूज दिस कोड SONAL, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। VD सर का भी टाइमिंग होगा इसमें, गोपाल सर भी आप लोगों की क्लास लेंगे और आप GS वाले सर भी आपकी क्या लेंगे, इसमें क्लास लेंगे,
आदित्य तुम 10 दिन मत देखो, 10 दिन में उन 30 घंटों को देखो तुम, ठीक है? 10 दिन पे क्यों फोकस करते हो तुम? उसमें ये देखो 30 घंटे हैं तुम्हारे पास, रीजनिंग रीजनिंग के 30 घंटे की बात कर रही हूँ मैं। और प्लस यूट्यूब है, ठीक है? प्लस यूट्यूब है, प्लस स्पेशल क्लास है, और यूट्यूब पे भी मेरी 2 घंटे की क्लास होगी। तो मान लीजिए एफकेट 1 2021 के लिए डेली आपको 5 से 5.5 घंटे की आपको क्लासेस मिला करेंगे डेली, ठीक है? कैसे? आपको 2 घंटे मिलेंगे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर, 1 घंटा स्पेशल क्लास पे, 1 घंटा यूट्यूब पे जो आपका टाइमिंग है 2 बजे, और 1 घंटा दोबारा यूट्यूब पे जो आपका टाइमिंग है 5:30 बजे। सिर्फ 5 घंटे तो आपको FKT 1 2021 के लिए पढ़ाया जाएगा। आकाश अग्रवाल, जय हिंद। अरे नहीं ले रहे आदित्य कश्यप, गोली मार दूंगी तेरे को, सही में बता रही हूँ। मैं आज खून पी लिए इन बच्चों ने मेरे खून। गुड आफ्टरनून रंजीता, क्वेश्चंस पे आ जाओ। जय हिंद तेजस्वी, कैसे हो? सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको ये बताना है विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। यदि यहां पे आपका मिरर रखा है तो आपको ये बताना है ए बी सी या डी में से आपका कौन सा राइट आंसर बनेगा। बहुत ज्यादा तेजस्वी, बहुत ज्यादा। नहीं आदित्य कश्यप, जब तक तो तुम्हें गोली मारनी है दुश्मनों को, ठीक है? क्लियर करने के बाद फिर मेरे से गोली नहीं खानी है तुम्हें, फिर तो तुम्हें दुश्मनों को गोली मारनी है, ठीक है? परिणीता, ऋषिकेश, श्रुतिका, भूषण, रंजिता, ज्योति, काश्मी, 4 बूंदों वाला उजाला, सी ऑप्शन। देखो भाई ये आपका सर्कल बनेगा, इसके अंदर ये जो चीज है वो मिरर के पास है, तो ये चीज मिरर के पास, ये आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ये ना आपका इसमें बन रहा, ना इसमें बन रहा, ना इसमें बन रहा, किसमें बन रहा है? सिर्फ सी ऑप्शन में बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन, बाबूराम विल बी द करेक्ट आंसर। बाबूराम ऐसा किसने कह दिया कि मिरर इमेज नहीं आती है? सिलेबस में देखो मिरर इमेज है, एक आधा क्वेश्चन गलती से पूछ लिया जाता है कभी कभार। तेजस्वी, 2021 में मिरर इमेज आई थी या नहीं आई थी? वो सॉरी 2020 में, एफकेट 2020 में। बाबूराम कह रही है, कह रहा है मैं मिरर इमेज नहीं आती है। आई थी ना एक क्वेश्चन, आया था एक क्वेश्चन, एक तो मिरर इमेज का आया था क्वेश्चन, ठीक है? आई थी नहीं होता, आया था क्वेश्चन। या मेल है ये, फीमेल नहीं है। तो बाबूराम क्वेश्चन आती है, ठीक है? तो क्वेश्चन पे फोकस करना है, नहीं तो यही सोचते रह जाओगे ना, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता। हो लिया भाई, फिर तो हो लिया काम। तो 2020 में 2 आए थे, चलो भाई तेजस्वी, गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार अंकुर श्रीवास्तव, अंकुर तूने उठक बैठक करी थी या नहीं करी थी परसों की? और अंकुर तू आज भी 8 मिनट लेट है। हाँ जी बिल्कुल तेजस्वी, अंकुर 8 मिनट लेट है तू लड़के, तो तेरे को फिर आज पनिशमेंट दी जाएगी। तो तेजस्वी बताएगा क्या पनिशमेंट दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का है, यदि यहां पे आपका मिरर रखा है तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। भूषण, परिणीता। अच्छा परिणीता 2020 के पेपर के बाद बता ही नहीं सकते क्या क्या आ सकता है, हम बताएंगे, ठीक है? ये आपका ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, तो ये आपका ना इसमें बन रहा, डी आपका किसमें बनेगा, डी आपका ऐसे बनेगा, फिर माइनस, तो उसके बाद 3 आपका कैसे बन रहा है, मिरर से दूर बन रहा है, तो 3 आपका ऐसे बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत। 7 आपका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। एस आपका कैसे बनेगा, एस आपका ऐसे उल्टा बनेगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत। बचा कौन सा आपका, बी ऑप्शन। तो श्रुतिका, रंजीता, अंकुर, भूषण, परिणीता, 1 रॉकस्टार, उर्मी, उजाला, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अंकुश श्रीवास्तव बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा।
चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। नितेश बाबूराम ऋषिकेश ज्योति रंजीता भूषण प्रियंकर है। देखो जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। यदि ये मिरर हो गया तो ये आपका ऐसे बनेगा कंप्लीट, ठीक है, और ये आपका ऐसे कंप्लीट ऐसे बन जाएगा। तो ये जो सर्कल बनेगा वो आपका किसमें बन रहा है, सी ऑप्शन में बन रहा है। तो सी ऑप्शन जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर है। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग ये कहती है कि जहां से हमने पेपर को फोल्ड किया वो आपका मिरर बन गया। यदि वो मिरर बन गया तो मैंने मिरर इमेज में आपको एक कंसेप्ट सिखाया है, कंसेप्ट मैंने ये सिखाया है जो भी चीज मिरर के पास रखी जाएगी वही चीज आपके रिफ्लेक्शन में भी मिरर के पास होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सॉरी, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। बताए आइसक्रीम खाने का बच्चों बहुत मन करता है, क्या करूं लेकिन खा नहीं सकती। चलिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखिए ये आपका अगेन पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ये आपका क्या बन गया, मिरर बन गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऐसा जो बनेगा वो बनेगा आपके सिर्फ बी ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अरे ये तो बहुत डरावना सा क्वेश्चन है, करो। है तो वैसे इजी क्वेश्चन यदि हम ध्यान से देखें तो। चलो प्रियंका राय मुस्तक अली ज्योति सकट, ज्योति सकट, देन आफ्टर दैट श्रुतिका ऋषिकेश तेजस्वी उजाला। ए क्या बनेगा इसका बी आंसर। होश में हो वालों को या नहीं हो, होश में आंसर नहीं आ रहे है मेरे पास, कमेंट रुक गए क्या। गाइज लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन, लाइक कीजिए सेशन को और शेयर कीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ए ऑप्शन बनेगा आकाश प्रियंका राय या सी ऑप्शन बनेगा बताओ भाई। ये आपके फोल्ड है, ये आपके ये वाले कॉर्नर फोल्ड है, तो ये दोनों कॉर्नर कैसे फोल्ड आ जाएंगे। अच्छा वो पहले वाले क्वेश्चन का था, आपके तो ये कॉर्नर फोल्ड है ना, तो बेटा ए कैसे बन जाएगा। यदि ये आपका मान लो एक आपकी ये आकृति है, ऐसे मैं बना देती हूँ, ठीक है, ऐसे हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने क्या करा, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए, तो ये मिरर बन गया 1 2 3 4। अब ये मिरर बनेगा तो 1 2 3 1 2 3 सिर्फ ये दोनों नहीं बनेंगे ना, जब ये दोनों नहीं बनेंगे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तेजस्वी कृतिका ऋषिकेश ज्योति, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। Mm-hmm.
देखिए ये आपका क्या है, मिरर इमेज बना रहा है। यदि ये मिरर इमेज बना रहा है तो ये आर ऐसे बनेगा, सर्कल ऐसे इनटू ऐसे। तो ये जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम आपका किस पे बन रहा है, सी ऑप्शन में बन रहा है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हाँ, चलिए देखिए। यदि बेटा मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो अब ये आपको आकृति कंप्लीट करनी है। यदि इसकी आपको आकृति कंप्लीट करनी है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कैसे बनने वाला है? देखो, ये आपका ऐसे गया, ये आपका ऐसे गया, ये आपका ऐसे कंप्लीट होगा, देन ये आपका ऐसे कंप्लीट होगा, ये आपका ऐसे बनेगा। तो ये जो डायग्राम बन रहा है, तो ये डायग्राम आपका किस में बन रहा है? इसमें नहीं बन रहा, गलत। ठीक है, इसमें आपका ये सर्कल यहाँ पे आ रहा है, गलत। तो सर्कल आ रहा है कहीं पे? सर्कल तो आ ही नहीं रहा। यदि सर्कल कहीं पे भी नहीं आ रहा आपका ऐसे करके, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? देखिए यदि मैं इसे कंप्लीट करूं तो ऐसे होगा, ऐसे, और ये टुंटली फिर आपकी ऐसे बनेगी। ठीक है, बना लेना इसे ढंग से, ऐसे करके बनेगी, और ये आपका ऐसे बनेगा। ये ब्लैक है तो ये व्हाइट आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ब्लैक बन जाएगा। तो ये जो आपका डायग्राम है वो इसमें नहीं बन रहा, ठीक है, देन ये आपका इसमें बन रहा है, ये इसमें किसी में भी नहीं बन रहा, गलत। इन दोनों में बात की जाए तो ये गलत है। बचा कौन सा? आपका सी ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? चलिए देखिए यदि बेटा मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, इसे कंप्लीट की जाए, कंप्लीट की जाएगी तो ये आपकी ऐसे कुछ करके कंप्लीट होगी, और ये आपका बनेगा ऐसे कुछ। तो ये जो आपका डायग्राम बन रहा है, तो गाय ये डायग्राम आपका किस में बन रहा है? श्रुतिका, ज्योति, वेंकट, काशवी, ऋषिकेश। ये जो आपका डायग्राम बन रहा है, तो ये डायग्राम आपका किस में बन रहा है? तो ये डायग्राम जो आपका बन रहा है वो बन रहा है आपके जी बी ऑप्शन में, कृतिका उजाला। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ना 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 ना
चले बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा गाइस। देखिए यदि बेटा मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं गलती से भी, यदि मैं बात करना चाहूं तो, गंदा सा क्वेश्चन है लेकिन कोई नहीं, कंप्लीट करते हैं। ये ऐसे बनेगा, ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी, ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद, ठीक है, ये लाइन आपकी ऐसे कंप्लीट हुई, देन उसके बाद आपका ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया, और देन ये जो आपका बनने वाला है बीच में से नहीं जाएगी। रुक जाओ यार, इसका जो राइट आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा आपका ए ऑप्शन। जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करने के बाद देखो ये बन रहा आपका, ये तो ये जो बन रहा है ये सिर्फ आपके इसमें बन रहा है, इसके पहले बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन। अंजलि स्पेशल क्लास कब होती है? सुबह होती है 10:45 AM पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। बैंगल इज रिलेटेड टू हैंड, जो बैंगल है वो कहां पे पहने जाते हैं? हाथों में पहने जाते हैं। तो सेम ए बी सी या डी में से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? जैसे हाथों में चूड़ियां पहनी जाती है तो पैरों में क्या पहनी जाती है? पायल पहनी जाती है। एंकलेट्स किसे कहते हैं? पायल को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन इज रिलेटेड टू लंग्स, ए बी सी या डी में से आपका कौन सा राइट आंसर बनेगा बताइए कमेंट करके। जैसे ह्यूमन जो है वो आपका लंग से इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही आपका बाकी का राइट आंसर कौन सा बनेगा? देखिए ह्यूमन एंड लंग्स, तो अच्छा इसका आप एक्सप्लेनेशन दीजिए आप लोगों को। ऋषिकेश, प्रदीप, रौनव सिंह, अरे रौनव पेपर की कौन सी तैयारी कर रहे हैं? CDS की, FCAT की, किसकी तैयारी कर रहे हैं? या किसी और कोई भी है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ह्यूमन सांस कहां से लेते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है उसका? लंग। तो फिश का क्या है आपका? गिल, गिल्स। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। किसी ने मेरे को एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्यों इसका राइट आंसर बी बनेगा, क्यों बनेगा रे बी आंसर इसका? ऐसे घोड़े बेच के सो रहे हैं जैसे पता नहीं कहां आए, क्लास में आए हैं, कहां पे आए हैं। हेरो हेरे बेटा कहां है आजकल दिमाग तुम लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा।
बल्ब इज रिलेटेड टू फिलामेंट, ए बी सी या डी में से आपका राइट आंसर क्या बनेगा? चलो रे चलो मितवा, बताओ। अनुरीमा मैम राइट आंसर बताओ, नहीं बताती मैं क्यों राइट आंसर बताऊं, आपको बताना है राइट आंसर, तो मेरे को तो खुद नहीं आता, मैं तो खुद आप लोगों के आगे ऐसे बन के बैठी हुई हूँ भुत्सी की, मेरे को तो आता ही नहीं, जब मेरे को आता ही नहीं तो मैं क्यों आंसर बताऊं राइट आंसर, मैं तो आप लोगों से पूछ रही हूँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो आप लोगों को बताना है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। भाई फिलामेंट क्या होता है, चलो तुम छोड़ो, तुम मेरे को ये बताओ फिलामेंट क्या होता है, बल्ब तो आप लोगों ने देखा होगा, यदि बल्ब आप लोगों ने देखा होगा तो फिलामेंट क्या होता है उसमें, हमको भी नहीं आता, वाह। अच्छा मेरे को ये तो बता दो फिलामेंट क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, तो आप मेरे को सी ऑप्शन कैसे दे सकते हो, मेरे को ये बताओ बताओ, फिलामेंट जो होता है इज अ पार्ट ऑफ लाइट बल्ब, मतलब बल्ब का क्या होता है, पार्ट होता है फिलामेंट, बिना फिलामेंट के आप बल्ब को नहीं जला सकते, तो उसी हिसाब से कैंडल में क्या होती है आपकी विक होती है, ज्योत होती है, बिना विक के आप कैंडल को नहीं जला सकते, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब तक विक नहीं होगी, बाती नहीं होगी, कैंडल आपकी जल नहीं सकती, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। कृतिका ज्योति, किसी ने नहीं बताया, मैंने ही बता दिया, उसके बाद अपन आंसर दे रहे हो, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा उस यारी का, टिन टिन टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो सी सेंट इज रिलेटेड टू आपका सेंट, तो वेव्स इज रिलेटेड टू, बताओ वेव्स इज रिलेटेड टू, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी ऑप्शन, कुछ कह रहे हैं ए ऑप्शन, अच्छा ए ऑप्शन क्यों बनेगा, ए ऑप्शन क्यों बनेगा, शी सेल्स क्या होते हैं, जो समुद्र के आपको दिखते हैं ना, रेत में कुछ मिलते हैं आपको समुद्र से, ठीक है, तो वो कहाँ मिलते हैं आपके, रेत में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो वेव्स कहां पे होती हैं आपकी, ए ऑप्शन ऋषिकेश, गलत दे रहे हो आंसर, वेव्स इन सी, जैसे सी सेल्स आपके सैंड में होते हैं मूर्खो, वेव्स किस में होगी, सी में होगी, वाटर की तो वेव्स होती है, पानी की वेव्स होती है, क्या सी सेल आपके सैंड के होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, सींग लगे हुए तुम लोगों के यहाँ पे सींग,
चलिए गाइस बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सुनामी इज रिलेटेड टू हरिकेन एंड टॉर्नेडो इज रिलेटेड टू। रौनक सिंगा को बहुत हंसी आ रही है बेटा। सी आदित्य सी, सी होगा सी, समुद्र होगा उसका राइट आंसर। ठीक है देखिए सुनामी इज रिलेटेड टू हरिकेन एंड टॉर्नेडो इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। हाउ हाउ नीति शर्मा कैसे, क्यों मैं क्यों बताऊं क्या लॉजिक है इसमें, तुम्हें बताना है मुझे बताना है, सारे क्वेश्चन के लॉजिक मेरे से पूछ लो, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। सुनामी इज रिलेटेड टू आपका हरिकेन एंड टोर्नेडो इज रिलेटेड टू। सुनामी क्या होता है? अच्छा चलो छोड़ो, सुनामी क्या होता है आपका? सुनामी से आप क्या समझते हो? जो आपके पानी में सुनामी आती है तबाही मचा के चली जाती है वो होती है आपकी सुनामी। जो पानी से आती है, पानी में अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, एक सुनामी आती है। ठीक है फ्लड अलग होता है, सुनामी अलग होता है। हरिकेन क्या होता है आपका? हरिकेन क्या होता है आपका? बताओ। टॉर्नेडो आता है चक्रवात, टॉर्नेडो किसे कहते हैं? चक्रवात को कहते हैं, आंधी तूफान के चक्रवात को। ठीक है तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी, टेररिज्म तो होगा ही नहीं, टेररिज्म से तो मतलब ही नहीं बनता इसका, टेररिज्म तो हो ही नहीं सकता इसका राइट आंसर आपका। रेडियोलॉजिकल आपका इमरजेंसी हो सकता है या नहीं हो सकता? देखो सीधा सीधा आप ऑप्शन से टिक करना चाहो तो आप इसे ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। साइक्लोन जैसा तो एक ही इसका राइट आंसर बता। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो होगा नहीं, मतलब देखा जाए तो ये तीनों के तीनों आपके नेचुरल डिजास्टर है। तो एक नेचुरल डिजास्टर कौन सा है आपका? यहाँ पे डी ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका रौनक सिंगा भूषण रंजिता, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। साइक्लोन एंड टॉर्नेडो, साइक्लोन इज अ चक्रवात है ना, एंड टॉर्नेडो भी आपका चक्रवात ही होता है जो मतलब आंधी तूफान लेके आता है, गोल 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 घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है ना, उसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। प्लेइंग ईटिंग स्लीपिंग एंड वॉकिंग। देखो प्लेइंग खेल रहे हो, कूद रहे हो, ईटिंग कुछ काम कर रहे हो, वॉकिंग वॉक कर रहे हो, सिर्फ स्लीपिंग एक ऐसा है जो आपका एक रेस्ट मुद्रा में चला गया, जबकि बाकी का आपका चाहे प्लेइंग हो, ईटिंग हो, वॉकिंग हो, वो किसी ना किसी काम को क्या है, दर्शा रहे हैं। इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो दैट्स व्हाई इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस रौनक की जो जुबान चलने लग गई है ना कैची की तरह, इसकी तो किसी दिन कैची की तरह जुबान ही काटूंगी मैं। है ना?
चलिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, आपको ये बताना है ब्राउन, पर्पल, ब्लू एंड ऑरेंज में से आपका राइट आंसर क्या बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, बताओ। सी ब्लू कोर कलर है। आप ब्लू को आप ये भी कह सकते हो कि ब्लू आपका वो प्राइमरी कलर है, आरबीजी, ब्लू इज द प्राइमरी कलर, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑरेंज कलर है या फ्रूट है, कलर ही मान लो इसे, तो संतरी कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कीवी, ईगल, ईमू, ऑस्ट्रिच। कीवी, ईगल, ईमू, ऑस्ट्रिच, देखिए यदि मैं बात करूं बेटा आपसे, जो कीवी, ईमू एंड ऑस्ट्रिच आर फ्लाइटलेस बर्ड, ये उड़ नहीं सकते, ये जो बर्ड है वो क्या है आपके उड़ नहीं सकते, लेकिन जो आपका ईगल है वो क्या है बेटा आपका उड़ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका क्या, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका, डी ऑप्शन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑस्ट्रिच ने ईगल, ईगल विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कर्ड, बटर, ऑयल एंड चीज। कर्ड, बटर, ऑयल एंड चीज, बताइए इसका क्या राइट आंसर बनेगा। कर्ड हुआ, ठीक है, ऑयल हुआ आपका, बटर हुआ या चीज हुआ। सी नॉट मिल्क प्रोडक्ट, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी जो है वो आपका क्या है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, बाकी के सारे आपके मिल्क प्रोडक्ट हैं, क्लियर है। तो सी ऑप्शन जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका, सी ऑप्शन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, गंगटोक साबी, बाकी सब नेशनल पार्क है, हाँ कह सकते हो, कह सकते हो। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, गंगटोक को छोड़कर सारे के सारे आपके क्या है, नेशनल पार्क है, बन है सारे के सारे। तो ऋषिकेश,
निधि शर्मा, श्रुतिका, कृतिका, अंजलि, अमलन। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ये किसके अंदर है आपका, ये जो है वो आपका सिर्फ सर्कल के अंदर है, डॉट सिचुएशन टेस्ट है। ये ट्रायंगल एंड स्क्वायर के अंदर है, ये आपका ट्रायंगल स्क्वायर और सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर आ जाएगा, ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल के अंदर आ जाएगा, ट्रायंगल एंड स्क्वायर के अंदर आएगा, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। चलिए बताइए। आई एम कन्फ्यूज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। काशवी इसमें तो कन्फ्यूज होने वाली बात ही नहीं होती। देखिए आपको ये देख रहा है ये डॉट किस में आपका, ये जो डॉट है वो आपका ट्रायंगल में है, सर्कल में है, स्क्वायर में है, ये डॉट आपका सर्कल और रेक्टेंगल में है। अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने, सर्कल एंड रेक्टेंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल आपको दिख गया, ट्रायंगल सर्कल एंड स्क्वायर। यदि मैं बेटा आपका ट्रायंगल सर्कल एंड स्क्वायर के बारे में बात करूं तो ये आपका ट्रायंगल सर्कल एंड स्क्वायर नहीं बनेगा इसमें, तो ये गलत। सर्कल एंड रेक्टेंगल में बन जाएगा लेकिन ट्रायंगल सर्कल एंड स्क्वायर नहीं बनेगा, गलत। ट्रायंगल सर्कल एंड स्क्वायर बन जाएगा लेकिन रेक्टेंगल और सर्कल नहीं बनेगा, गलत। ट्रायंगल वो सर्कल और वो आपका बन जाएगा रेक्टेंगल, और आपका इसमें ट्रायंगल सर्कल एंड स्क्वायर भी बन जाएगा, तो डी ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर आपका डी ऑप्शन। अंशु कुमारी, श्रुतिका, कृतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये क्या है आपका, डॉट सर्कल में है, ये डॉट आपका क्या है, रेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगल में है। अयो सर्कल में तो बनेगा नहीं, गलत। सर्कल में बन जाएगा, स्क्वायर और ट्रायंगल में नहीं बनेगा, गलत। सर्कल में नहीं बनेगा, गलत। सर्कल में बन जाएगा, स्क्वायर ट्रायंगल में बन जाएगा, तो डी ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा हमारा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा।
अप्स। चलिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ये आपका स्क्वायर के भीतर है, ये आपका स्क्वायर और ट्रायंगल, ये आपका सर्कल और ट्रायंगल। तो सर्कल ट्रायंगल आ गया, स्क्वायर आ गया और स्क्वायर और ट्रायंगल आ गया, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सीधे सीधे आंसर था इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। लेट्स सी, देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? देखिए ये आपका बन रहा है स्क्वायर और ट्रायंगल, ये आपका बन रहा है स्क्वायर ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका बन रहा है सर्कल स्क्वायर और ट्रायंगल का, सर्कल स्क्वायर और रेक्टेंगल का। अब इसमें आपको एलिमिनेट कीजिए ए बी सी या डी में से आपका कौन सा राइट आंसर बनेगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। अब आप ही बता दीजिए, मैं उसी को ही चेक कर लूंगी, ठीक है। नहीं तो बाकी में ना मेरे को टाइम लग जाएगा अभी देखने में ना कि कौन सा क्या है क्या नहीं है, यदि आप मेरे को बताओगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए यदि मैं बात करूं आपका स्क्वायर एंड ट्रायंगल के बारे में, तो ये है आपका स्क्वायर और ट्रायंगल शायद, ठीक है। देन आफ्टर दैट है ये आपका सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो चारों में तो आपका ये आ गया सर्कल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बेटा, लेकिन यहां पे आपका सर्कल स्क्वायर और रेक्टेंगल में नहीं बन रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन तो कतई नहीं होगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। बी और सी दोनों में है, चल देख लेती हूँ, तुम्हारे कहने से चेक कर लेती हूँ। स्क्वायर और ट्रायंगल बेटा, ये आपका स्क्वायर है, यदि ये आपका स्क्वायर है तो बी में आपका स्क्वायर और वो बन रहा है, हाँ ये रहा, सॉरी हाँ ये बन रहा, देखो ये आपका बन रहा है स्क्वायर और ट्रायंगल में, ठीक है, किसमें बन रहा है, ये आपका बन रहा है स्क्वायर और ट्रायंगल में, सर्कल स्क्वायर और रेक्टेंगल, सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल और चारों में, तो ये बन गया आपका बी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, स्क्वायर और ट्रायंगल चारों में है, हाँ बेटा बी और सी दोनों में बन रहा है, बी और सी दोनों में बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है नेक्स्ट, बताइए। फिगर मैट्रिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हे मेरे प्रभु, देखिए यदि मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो एक एक ट्रायंगल है एक सर्कल ऊपर, दो ट्रायंगल चार ट्रायंगल, चार ट्रायंगल दो सर्कल, ठीक है। यहां पे आपके ये जितना भी है, मतलब जो आपका यहाँ पे वो आपका यहाँ पे, यदि चार ट्रायंगल यहाँ पे तो चार ट्रायंगल यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी आपके ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल आपके यहाँ पे बनेंगे, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल है आपके 12, तो 12 किसमें, 12 ना इसमें है ना इसमें है, ये सर्कल नहीं बनेंगे, डी ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए मैम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे को? अच्छा ऐसे क्वेश्चन तुमने काश भी करे नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मैं अभी ना उस पर कराऊंगी एफ कैट के शाम वाले बैच में, ठीक है? वो मैं कराऊंगी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक वाइज, तो उसमें आप करना ऐसे क्वेश्चन ना काशवी, हमें ना ऑप्शन को एलिमिनेट करके करने होते हैं, बिना ऑप्शन एलिमिनेट हम कर नहीं सकते, ठीक है? ठीक है प्रियंका राय, शाम वाले बैच का जो टाइमिंग है वो है आपका 5:30 बजे, ठीक है? ठीक है चलिए, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये देखिए, ये आपका ट्रायंगल है, सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ये एरो बन गया, स्क्वेयर हो ये, तो पहले आपका सर्कल बनेगा, फिर आपका ऊपर ट्रायंगल बनेगा, ये आपका ऐसे बनेगा बनेगा, तो ये जो आपका डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम आपका ए ऑप्शन में बन रहा है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी शाम को होती है काशवी, इसी चैनल पे होती है डिफेंस 101 पर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मेरी तो कमर टूट रही है बैठे बैठे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आदित्य, कश्यप, प्रियंका राय, काशवी, रितिका, कृतिका। चले रे चले मिति वा मिति मिति बा देखिए, मैं बहुत आराम से पढ़ाती हूँ जब मैं मिक्स क्वेश्चन कराती हूँ, एक ही क्वेश्चन ढंग से। 1 2 3 4 5 6 थ्री एंड मतलब ऐसे कन्वर्ट होता गया, पहले यहाँ पे रहा, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे बन गया, तो अब ये आपका यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है, तो अब कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर की साइड आएगा, ये 4 है, 1 2 3 4 5, ये 5 है, यहाँ पे कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 6 बनेंगे, तो ये गलत, ये गलत, बचा कौन सा, सी एंड डी, और उसके बाद आपकी एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, दो लाइन, तो ये सर्कल तो आपका बनेगा नहीं, इस सर्कल के बनने का काम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर मैट्रिक्स को क्वेश्चन होते हैं, फिगर मैट्रिक्स को क्वेश्चन कहा जाता है, इनके नाम होते हैं फिगर मैट्रिक्स, ठीक है? आप लोगों को पता हो तो
देखो यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इस काले वाले का थोपड़ा कहां पे है? ईस्ट साइड, साउथ साइड, वेस्ट साइड? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो 90 डिग्री आपका रोटेट करा है, वो भी क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट। तो अब काले वाला ऊपर आएगा और नीचे वाला ऐसे बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुतिका, कृतिका, उजाला, ऋषिकेश, रॉकस्टार, कृतिका चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? देखो ये सर्कल आपका बनेगा बनेगा और आपके सब में ये ऐसे ऐड हो रहा है, ये आपका भी ऐसे ऐड हो रहा है, तो ये आपका भी ऐसे ऐड होगा, मतलब ये आपका शंकु ऐसे ऐड होगा। यदि ये शंकु आपका ऐड होगा तो ये शंकु आपका किस में ऐड हो रहा है? सी ऑप्शन में ऐड हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सब में आपका क्या हो रहा है, लास्ट वाले कॉलम में आपका ऐसे शंकु ऐड हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट, आपको ये बताना है इनमें से अलग क्या बनेगा, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए इनमें से आपका अलग क्या बनेगा। आज मैं बनाएगी चीले, सूजी के चीले, बहुत काम है यार तुम्हारी मैडम के पास, तो थक जाते हैं। डी अलग है, हाउ? देखो ये आपका नीचे की साइड शेडेड है, ये ऊपर की साइड है, ऐसे शेडेड हो रहा है ये आपका, ठीक है, आपका ऐसे, मतलब अपोजिट साइड, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, सेम आपका ऐसे, एक इधर एक इधर, लेकिन आपके डी ऑप्शन में दोनों साइड शेडेड हो रहा है, आपका ये साइड यहाँ पे शेडेड होना चाहिए था, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अभी आप लोग बिल्कुल तैयार नहीं हो चीजों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आप अभी तैयार जब होंगे जब आपके सर पे बिल्कुल बम्प फूटेगा, जैसे 7 फरवरी को जब आपका पेपर हो जाएगा CDS का, तो आफ्टर दैट आप सारे के सारे FCAT में लग जाओगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 फरवरी के बाद ही आप लोगों में जोश आएगा FCAT की तैयारी करने के लिए। तो गाइस हमारा YouTube चैनल है डिफेंस 101 अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर 10:45 पर मेरी सुबह क्लास होती है, स्पेशल क्लास होती है, यूज दिस कोड SONAL, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और अनअकैडमी की क्या है हमारा डिफेंस 101 पर मेरे टाइमिंग होते हैं, एक तो होता है 2 बजे जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, और 5:30 बजे जहाँ पे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन की तैयारी करा रहे हैं FCAT 2021 के लिए। ठीक है, बिल्कुल आदित्य कश्यप, बहुत जल्दी मैं गूगल मीट भी करूंगी आप लोगों से, आज मैं देखती हूँ, आज यदि मुझे शाम को टाइम मिल जाता है गूगल मीट के लिए तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए गूगल मीट करूंगी आज। ठीक है, चलिए गाइज अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।